दोस्तों, गुड मॉर्निंग और सभी को मैरी क्रिसमस। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज है क्रिसमस, तो सुबह उठ के हम लोग ने नहाया, नाश्ता वास्ता किया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च। चर्च जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैंने पहना है साड़ी। बाबू, मेरी सासू माँ, मेरे देवर लोगों सब चले गए हैं चर्च। तो अभी जा रहे हैं हम लोग चर्च। हस्बैंड तैयारी हो रहे हैं, तो हम लोग ना निकल रहे हैं। इधर देखिए, इसका कुछ रोल नहीं है, हो गया। मैंने इस पहन लिया है, ये वाला मेरा ना हज किया था। इधर दीदी लोग पर, इधर मेरे हस्बैंड भी इधर इधर रेडी हो रहे हैं, क्योंकि उनका कपड़ा नहीं मिल रहा है, कपड़ा खोज रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च। दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं चर्च। ये चर्च है। तो हम लोगों को लेने के लिए आए थे दीदी लोगों ने, हम लोगों का बन जाए, तो दीदी लोगों ने भी थोड़ा सा चर्च किए। हम लोग ये कुंवर मुंडा मामी का घर, क्योंकि मामी लोगों ने हम लोगों को वहीं पर बुलाया था, तो हम लोग सब चले गए थे कुंवर मुंडा, क्योंकि सब दीदी लोगों, जीजू लोगों सब आ गए थे। तो उसके बाद में यहाँ पर खाना खाने का टाइम भी हो गया था। हम लोग 1 बजे लगभग पहुँचे थे, मामी लोगों, मामी और उसके बाद में फिर दीदी, जीजू, सब अब सब बाहर में रहते हैं ना, जॉब करते हैं, तो क्रिसमस का टाइम में ही सब कोई आते हैं। तो फिर हम लोग भी गए थे, तो मामी लोगों फिर हम लोगों को भी वहीं पर बुलाए थे, हम लोग गए थे। ये जो है मामी हमारी। मजा लेकिन बहुत आ रहा था, क्योंकि इस साल में एक बार सब एक साथ में आते हैं, तो मजा तो आएगा ही मुझे। लेकिन मैं इस बार क्रिसमस में बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा, इतना मजा किए हम लोग इस बार क्रिसमस में। तो ना फिर ना सब मेरे को ना खाना दे रहे थे, जीजू ना मेरे को मटन दिए थे, क्योंकि मुझे मटन नहीं मिला था, तो गर्म कर रहे थे तो मटन, उसके बाद में फिर जीजू ला के दिए मेरे को मटन। क्या खाओगी, कितना, कैसे वाला पीस खाओगी, बोल के दे रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे कि हम लोग ना पिकनिक खेल रहे हैं, क्योंकि मामी का घर का पीछे तरफ में ना बहुत अच्छा पहाड़ है, और पहाड़ का साइड में ना उन लोगों का घर है, तो वहीं पर हम लोग ना कर रहे थे पिकनिक। मज़ा भी बहुत आ रहा था। साल में एक बार तो आता है क्रिसमस, तो उसी में हम लोग करते हैं इंजॉय। तो हस्बैंड जी ना वीडियो कर रहे थे, और बाबू को शायद मेरी सास उधर घुमा रही थी, क्योंकि मैं भी खाना खा रही थी ना, कि नहीं तो फिर एक जन को पकड़ना पड़ता है बाबू को। अरे, देसी चिकन जीजू बांट रहे हैं, जीजू पकड़े हैं और दीदी ना बांट रही है देसी चिकन खाने में, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया था। उसके बाद में दीदी इधर फिश मछली, फ्राई वाला मछली, गोटा वाला मछली था, और कोई पीस वाला भी था, वो मछली सबको दीदी बांट रही थी। सब अपना अपना पसंद पसंद से ले रहा है सब, क्या खाओगे, कैसा वाला पीस तू, बोल के बोल रहे हैं सब। तो दीदी ना दे रही है,
तो सब अपना अपना पसंद का फिश खा रहे हैं, कोई कटिंग वाला खा रहे हैं, कोई मतलब गोटा वाला खा रहे हैं। पूरा इंजॉयमेंट बहुत था इस बार मुझे क्रिसमस में, ना बहुत अच्छा लगा दोस्तों। इधर दीदी तो खाना बांटे जा रही थी, मैं इधर पीछे तरफ ना मैं खा रही थी खाना बैठ के। मामी बोली कि मेरे को बाबू है तो तुम खा लो पहले, क्योंकि मैं कुछ काम नहीं की, बाबू के साथ में मुझे कुछ काम करने नहीं होता, बाबू मेरे को कुछ काम करने नहीं देता, बदमाश करता है बाबू। मामी मेरे को बुला के ना बोली हे दीदी है अभी ना दीदी शायद मेरे को देने जाएगी। हाँ दीदी मेरे को दी है मछली, पूछ के दे रही है कैसे वाला पीस खाऊं। मैं बोली पहले नहीं खाऊंगी बोल के, फिर नहीं ये वाला दूं बोली, तो मुझे ना ऐसे भी मछली बहुत पसंद लगता है तो गोटा वाला मछली, तो फिर मेरे को दी ना। मैं पूरा अपना पूरा स्टाइल से पूरा खा रही थी मछली, पूरा टान टान के अच्छा लग रहा था, पूरा टाइट करके थोड़ा मतलब फ्राई किया था। तो फिर इधर जीजू लोगों ने भात दे रहे थे, दीदी लोगों दीदी ना ये जो मटन का चर्बी है ना वो दे रहे थे। फिर इधर निशु जी पूछ रहे थे कि ऐसे वाला मतलब कुछ राउंड वाला कटिंग करके लेके आया था मैं, वो कहाँ वाला है बोल, कहाँ है बोल रहे थे। फिर दीदी ना खोज खोज के दे रही थी, इधर मामी को खाना दे रही थी। बहुत टाइम हो गया था ना, 2 से 3 बज गया था, तो इसीलिए चार पांच दीदी है कुआरमुंडा में, सब दीदी लोगों आए थे। फिर इधर मैं खा रही थी खाना, मेरा खाना में तो बहुत सारा आइटम था। ये हमारी अनु दीदी है, सबसे बड़ी दीदी है ये अनु दीदी, घर में सबसे बड़ी है ये। उनको ना पूछ रहे थे मेरे हस्बैंड जी, दीदी खाना खाए कि नहीं खाए बोल के। इधर दीदी बांट रही है खट्टा, और फिर टाइम आया मुझे अटैक कर रहे हैं सब, सब कोई मुझे लेके दे रहे हैं खाना, कोई दे रहा है खट्टा, कोई दे रहा है मटन, कोई दे रहा है क्या बहुत मजा आ रहा था। फिर इधर भैया नमक ला के दे रहे थे मेरे को, तापस जीजू बोल रहे हैं ठीक है मैं दिखा के खा रही हूँ। और फिर इधर अंदर हम लोग सबका खाने का टाइम हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद में हस्बैंड जी जीजू लोगों और ये जो उषा दीदी मछली वाली दीदी वो दीदी, फिर मेरा भांजा आहान वो भी खा रहा था खाना। तो ना मेरे को सब बोल रहे थे कि मोमो बनाओ बोल के बोल रहे थे। अब मैं बोली थी अच्छा ठीक है मैं बनाऊँगी मोमो बोल रहे थे, क्योंकि दीदी लोगों दूर दूर में रहते हैं ना, तो मोमो उन लोगों को खाने का बहुत मन किया था मोमो। लेकिन ना इतना भीड़ था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था मोमो बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ना मोमो बनाने का टाइम थोड़ा सा नहीं हुआ, फिर हम लोगों ने ना नहीं बनाया। फिर इधर उषा दीदी बात कर रही थी, खा रही थी उषा दीदी, और मेरा भांजा आहार मुझे बोल रहा था कि मामी मैं चिकन मोमो खाऊंगा बोल रहा था। मैं बोली अच्छा ठीक है बनाएंगे, मैं तो अकेले नहीं सकूंगी, सब मिल के बनाएंगे बोल रहे थे। तो बोल रहे थे हाँ ठीक है दीदी लोगों सब बोल रहे थे कि हेल्प कर देंगे तुम्हारा, हम लोगों को तो नहीं आता है सिखा देना। मैं बोली अब मैं सिखा दूंगी। हेलो दीदी खाना खा लिए? ये तो एक नंबर क्या है ब्लॉगर ना, ब्लॉग बनाते ना चैनल का नाम बताइए दीदी। हाँ तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है हिमास पिटारा, जरूर आइएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस देखिएगा। और आहन का ब्लॉग, आहन का यूट्यूब चैनल का नाम क्या है बता दो। मेरा चैनल का नाम है आहन ब्लॉगर, और कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर खाना खाते खाते सब मेहमान लोगों को खिलाते खिलाते। आहन क्या खा रहे हो? आहन मैं पूछ रही थी उसको क्या खा रहे हो बेटा, मछली खा रहे हो? मटन नहीं खाए? क्या खा रहा हूँ? मटन खा रहे हो ना? और इधर अंदर में अनु दीदी घर को पूरा अच्छा से सजा के रखी थी, मेरी क्रिसमस वाला सब लगा के, और हम लोग दोनों फोटो खींच रहे थे मैं और बाबू। नो, अच्छा सजा नो। के रखी है ना दीदी घर को, वाह मस्त लग रहा था घर तो एकदम मौसम। और जो हमारा बाबू तो बकरी इतना परेशान किया, थोड़ा देर भी नहीं रह रहा था, इधर से उधर हो रहा था, उसके लिए एक जन पूरा ड्यूटी बैठना पड़ रहा था दोस्तों। फिर इधर हम लोग बाहर आ गए थे, सब कोई बाहर में भी बैठे थे। हाँ, सांता क्लॉस का गिफ्ट खोल रहे हैं अभी, क्या है गिफ्ट में देखते हैं। वाव पूरा खोलो, पूरा पैकिंग से खोलो, उसमें क्या है देखेंगे हम। हाँ।
दिल्ली से आया है? ओह माय गॉड, दिल्ली से क्या गिफ्ट आया है आहान के लिए? बट अभी ये खोलने का टाइम नहीं, ना ना मेरे को खोल के दिखाओ, हम देखेंगे, यहाँ ब्लॉग में दिखाना है मेरे को। अरे वाह, क्या है इसको, क्या बोलते हैं आहान? लेगो सिटी। अच्छा ठीक है, लेगो सिटी, ठीक है। आहान का एक गिफ्ट है, दिल्ली से आया है, सांता क्लॉज भेजे है आहान के लिए। हाँ ना आहान, हाँ ठीक है। अरे ऐसे बोलो, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो। सो गाइस जल्दी से मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर देना। हाँ, मेरा मामी का चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आहान ब्लॉगर है, जिसमें आप लोग उनको लास्ट में मेरा देखने को मिलेगा चैनल, उसको दबा देना है और मिल जाएगा मेरा वीडियो देखने को, और आप लोग को वीडियो को देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोलो। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब, और मेरे को वायरल करना बोलो। आने वाला है कि ये हम लोग बना, और मुझे भी वायरल कर दीजिए बोलो, और मुझे भी वायरल कर रही है कि ये सामा दीदी का गिफ्ट है, सांता क्लॉज भेजे हैं, लिपस्टिक है सामा दीदी का गिफ्ट। वाह, हेलो बेबी, तो दोस्तों आज के मेरे इस ब्लॉग में, क्रिसमस स्पेशल ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय सबको।